हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं आपके अपने न्यूज़ चैनल और न्यूज़ नेशन में। जैसा कि आपने थंबनेल को देखा होगा कि सैमसंग लॉन्च करने वाली है शानदार स्मार्टफोन। कंपनी गैलेक्सी A19 लॉन्च करने की तैयारी में जोर शोर से जुटी है। देश में एक से बढ़कर एक मोबाइल फ़ोन कंपनियां लॉन्च कर रही हैं, चाहे वो नोकिया हो या फिर एप्पल और सैमसंग, सभी की ओर से एक स्मार्टफोन बाजार में लॉन्च किए जा रहे हैं। अब सैमसंग ने अपने एक नए शानदार फ़ोन को बाजार में लॉन्च करने जा रही है। अब कंपनी गैलेक्सी A19 लॉन्च करने की तैयारी में जोर शोर से जुटी है। गैलेक्सी A90 को लेकर तैयारियां तेज। सैमसंग की कोशिश है कि देश में वो सबसे स्मार्टफोन कंपनी के तौर पर उभरे। शायद यही वजह है कि कंपनी एक के बाद एक कई तरह के फ़ोन को बाजार में लॉन्च कर रही है और कुछ को लॉन्च करने की तैयारी में है। हाल ही में कंपनी ने अपने फ्लैगशिप गैलेक्सी S10 सीरीज के स्मार्टफोन लॉन्च किए हैं। इसके अलावा हाल ही में मिड रेंज स्मार्टफोन भी लॉन्च किए गए हैं। क्या है फोन में खास? अब बात करते हैं उस फोन की जिस कंपनी एक दो दिनों के अंदर लॉन्च करने वाली है, जिसे गैलेक्सी A90 को कंपनी उतारने वाली है। उसमें काम भी काफी दिनों से किया जा रहा है। कंपनी अपने इस नए स्मार्टफोन को रोटेटिंग रियर कैमरा दे सकती है, हालांकि इसकी आधारिक पुष्टि नहीं की गई है। इसके अलावा कंपनी इस फोन में 48 मेगापिक्सल का रियर कैमरा देने जा रही है और एक टाइम ऑफ फ्लाइट कैमरा होगा। हालांकि रोटरी कैमरे का काम क्या होगा यह साफ नहीं किया गया है। इस फोन में बैटरी बैकअप फेल ना हो इसलिए एक बढ़िया कैमरा देने जा रही है। ऐसी ही इंटरेस्टिंग और रोचक न्यूज के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपका अपना चैनल ऑल न्यूज नेशन।